हेलो गाइस, मेरा नाम है शैलेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव मेंस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में गाइस हम डबल 75 मोटर में वाइंडिंग करने के लिए कितने टर्न्स लगाने चाहिए या कितने राउंड लगाने चाहिए, तो आइए जानते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो आइए चलते हैं। देखिए, सभी मोटर का जो आर्मेचर होता है वो छोटा बड़ा हर तरीके का होता है। अलग अलग वैरायटी की ये मोटर आती हैं, जैसे ओरिजिनल भी होती है, लोकल भी होती है। दिव्यांशी की मोटर आती है तो उसमें तो पहले से ही वायर लगा होता है मोटा, वो तो कंपनी से वायर लगा होता है, उसमें तो कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं। वैसे लोकल मोटर जो होती है उसी में हमको वायर लगाना होता है। कोई कहता है 20 राउंड लगाने चाहिए, कोई कहता है 25 राउंड लगाने चाहिए, तो वो अपने अपने हिसाब से वो बताते हैं। देखिए, सबका कहना सही है, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ। बस फर्क ये होता है कि जो हमारा आर्मेचर होता है उसमें कितनी जगह हो रही है वो कैसे पता करें। क्या होता है कि बहुत से लोग रिवाइंड तो कर लेते हैं, वो ये सोचते हैं कि 20 राउंड लगाना है तो 20 राउंड लगाते हैं। किसी के आर्मेचर में इतनी जगह ही नहीं है, उसमें कुछ ही वायर आ पाते हैं, कुछ वायर बाहर निकल जाते हैं, यहाँ से कुछ बाहर निकल आते हैं। देखिए, कंपनी में जो मोटर होती है उसमें जो वाइंडिंग होती है वो सब जितने नंबर का उसमें वायर लगा रहे हैं, वो कितने टर्न्स लगाने चाहिए, वो सब पूरा सिस्टम होता है। वो सब कंप्यूटर से सब पूरा जांच पड़ताल करके ही राउंड लगा। 25 नंबर के वायर से इसमें वाइंडिंग करते हैं तो पूरा 20 टन आ रहा है, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। जैसे खींचतान के इसमें आराम से हम लगा सकते हैं। जैसे ये 22 नंबर का वायर है या 21 नंबर का वायर होता है तो उसको हम जब लगाते हैं तो क्या होता है कि जो वायर होता है ये थोड़ा मोटा होता है। तो 20 लगाने के लिए सबसे पहले तो हमको आर्मेचर देखना पड़ेगा, आर्मेचर छोटा है या बड़ा, या उसके अंदर स्पेस देखना पड़ेगा कि हमारा वायर पूरा आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा 22 नंबर का। 18 से कम बिल्कुल ना रखिएगा, किसी तरीके से भी आपको खींचतान के 18 राउंड करने ही करने। ये भी 775 मोटर है, 12 वोल्ट की 775 मोटर का आर्मेचर है, तो इसमें भी मैंने 18 राउंड लगाए हैं 22 नंबर के वायर से। ये दूसरी मोटर है 12 वोल्ट 775, इसमें मैंने 25 नंबर का वायर लगाया है 20 टन। अब इसमें पतला वायर था इसलिए 20 टन लग गए, इसमें मोटा वायर था इसलिए 18 बार लग पाया। मैंने देखा कि 25 नंबर के वायर से कितनी आवाज़ है और 22 नंबर के वायर से कितनी आवाज़ है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी कि आर्मेचर में कितने राउंड लगाने चाहिए। और हर आर्मेचर एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग टाइप के आर्मेचर होते हैं, अलग अलग टाइप की मोटर होती हैं 12 वोल्ट 775। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए गाइस, फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। देखते रहिए क्रिएटिव मेंस।